नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। आईपीएल 2021 में एम्पायरिंग का स्तर काफ़ी ख़राब रहा है। मौजूदा सीजन में टीवी एम्पायरों द्वारा कई विवादित फैसले दिए गए हैं। फिर चाहे पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले में केएल राहुल को कैच आउट होने के बाद नॉट आउट देने का फैसला हो, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले में नो बॉल को वाइड करार देने का फैसला, कई ऐसे निर्णय रहे हैं जिन्होंने एम्पायरिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईपीएल के मौजूदा सीजन में खराब एम्पायरिंग को लेकर भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी आलोचना की है। सनी की ये टिप्पणी सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मैच के दौरान एम्पायर अनिल चौधरी द्वारा नो बॉल का फैसला बदल कर उसे वाइड करार दिए जाने के बाद आई है। बता दें कि ड्वेन ब्रावो की यह गेंद पिच के बाहर टप्पा खाई थी। क्रिकेट के नियमों के मुताबिक गेंद नो बॉल थी, लेकिन एम्पायर ने इसको वाइड करार दिया, जिस पर गावस्कर का गुस्सा फूट पड़ा। गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान कहा, वो स्पष्ट रूप से नो बॉल थी। हमने टीवी एम्पायरों के भी कुछ ऐसे फैसले देखे हैं जो इन परिस्थितियों में जीत और हार के बीच अंतर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गावस्कर ने कहा, इस तरह के फैसलों से खेल नहीं बदलना चाहिए। ये अच्छी बात है कि दिल्ली जीत गई, क्योंकि इससे खेल बदल सकता था। बता दें, आईपीएल में एम्पायरिंग के फैसले पहले भी कई बार सवालों के घेरे में आ चुके हैं और इस सीजन में भी कुछ विवादित फैसले देखने को मिले हैं, जिसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।